हेलो दोस्तों, अभी मैंने आपको इसका पार्ट वन बताया था। अब मैं आपको पैटर्न कोड LD001 का पार्ट टू पैटर्न जो है वो बताने जा रहा हूँ। और ये बैक का और इसके नीचे जो स्कर्ट लगने वाली है, इन दोनों का पैटर्न है। अब आप ये देखिए कि यहाँ से हमने एक ये लंबी लाइन ये लगाई, ये हमारी 90 डिग्री की है और ये हमारी लाइन जो है ये 180 की लाइन है। अब यहीं से हमने इसका एक HPS पॉइंट निर्धारित कर लिया। ये हमारा HPS पॉइंट से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं और ये पॉइंट बनाते हैं, तो ये हमारा पॉइंट जो है आर्मोर डेप्थ कहलाता है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं 15 सेंटीमीटर नीचे, जो हमारा अक्रॉस बैक कहलाता है। और तीसरा पॉइंट जो है ये हमारा जो है यहाँ पर ये हमारा शोल्डर का मेजरमेंट दिखाता है कि जो कि हमारा 39 सेंटीमीटर शोल्डर है और इसका हाफ शोल्डर हमारा 12 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से हमारा जो नेक बेड है जो है ये टोटल 16 सेंटीमीटर हमारा नेक बेड बनता जा करके हाफ में ये इस तरीके से देखेंगे यहाँ से यहाँ, तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर होगा। अब आप ये देखिए कि जब हमने ये सारी लाइनें आपको बता दी, ये हमारा शोल्डर पॉइंट हो गया, ये हमारा क्रॉस बैक हो गया, ये हमारा एक आर्मोल डेप्थ हो गया। अब यहाँ से हमने इसको जो ये हमारा इस तरीके से जब हमने ये ड्रॉ किया, इसके अंदर ड्रॉ करने के लिए हमारे पास में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम इसका यहाँ पर ये देखिए हम इसका ये इस्तेमाल करते हैं आकर के। ये हमारा जो है आर्मोल रूलर होता है, इसको फ्रंट रूलर भी बोलते हैं। इसको हमने लिया, इससे हमने आर्मोल का ड्रॉ कर लिया। अगर कहीं थोड़ी बहुत हमें सेफ में लगा कि हमें सेफ थोड़ी बहुत इधर उधर करनी है, तो हम अपने हाथ से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये करने के बाद में ये हमारा मेजरमेंट जो है ये हमारा 24 सेंटीमीटर जो है ये हमारा आर्मोल का बैक का आर्मोल 24 सेंटीमीटर निकल कर के आया। इसी प्रकार से आपका जो फ्रंट का आर्मोल था वो भी मैंने आपको बताया था, वो 24 सेंटीमीटर आपका सरकम में बनता है आकर के। अब आप यहाँ पर देखिए कि हमने ये 3 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट 3 सेंटीमीटर नीचे हमने ये बेस्ट का बस्ट लाइन का हमने बैक बस्ट का जो है ये हमने एक लाइन खींचा। और इस लाइन के अभी जब हमने यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा 46 सेंटीमीटर हम और क्वार्टरली हम इसको देखते हैं अब तो ये हमारा जो है 23 सेंटीमीटर हमारा जो है ये बनता है करके यहाँ से यहाँ 23 सेंटीमीटर होगा। और ये हमारा टोटल फ्लैट में जब देखते हैं तो ये हमारा 46 सेंटीमीटर यानी कि 46 सेंटीमीटर हमारा बस्ट जो है बैक का होगा। अब हमारा सेंटर बैक का लेंथ जो है, सेंटर बैक टू वेस्ट सीम जो है ये हमारा लेंथ जो है ये हमने 38 सेंटीमीटर दिया है और 3.5 सेंटीमीटर हमने इसका जो है बैक नेक ड्रॉप जो है ये हमने लिया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हमने यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर हमने एक डार्ट जो है मेंशन किया, ये हमारा फैब्रिक जो है ये हमारा कट गया फैब्रिक। और यहाँ से इस लाइन से जब हम इसको काटेंगे ये हमारा ड्रॉ, ये हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ करने के बाद में और फिर इसी तरीके से हमने ये लाइन जो है ये ड्रॉ की। जब इस ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हमने दोनों को नापा। नापने के बाद में हम कुछ भी रख सकते हैं, समकक्ष कुछ भी रखते हैं, चाहे 2 सेंटीमीटर रखें चाहे 5 सेंटीमीटर रखें। इस तरीके से हम यहाँ पर एक नोच दे देते हैं और ये नोच देने के बाद में क्या है कि हमारा ये नोच और ये नोच दोनों हमारा आपस में मिलेंगे और ये हमारा यहाँ से ये हमारा बॉटम पॉइंट जो है ये और ये हमारा दोनों पॉइंट जो है हमारे बराबर में आपस में मिलेंगे आकर। इस तरीके से हमारी ये बैक जुड़ जाएगी और हमारी बैक की बेस्ट जो है ये हमारी 38 सेंटीमीटर जो है ये बनेगी आकर के। और टोटल अराउंड बेस्ट जो है हमारी ये फ्रंट और बैक की मिला करके, जैसे कि हमने पिछले उसमें बताया आपको कि वहाँ पर उसकी 42 है और यहाँ पर इसकी 38 है, तो कुल मिला करके ये 80 सेंटीमीटर जो है ये सरकम आपका बन गया। तो आप इस सरकम के अंदर जब आप ये देखेंगे कि भाई ये सरकम तो हमारा बहुत कम है और किसी भी लेडीज़ का जो है शोल्डर पासिस जो है वो 100-105 के आसपास होता है, तो वहाँ से ये शोल्डर पासिस की वजह से जो है ये हमारा ड्रेस या टॉप जो है जब हमारा बंद फ्रंट से भी क्लोज होगा बैक से भी क्लोज होगा तो हमारा नीचे नहीं उतर सकता है। तो इसलिए जो है हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि हमें साइड में इसका एक हम जिपर डाल देते हैं। जिपर डाल देंगे तो उससे हमारा जो है ईजली जो है ये वहाँ से उतर जाएगा
अगर हमको इसका गला जितना हमने इसका दिया है, नेक हमने जितना दिया है, अगर हमने इसको इतना ही बनाना है तो हम यहाँ पर अपनी स्वेच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर हम सिलेक्ट दे सकते हैं, जिससे हमारा ये हेड पासिस के लिए, हेड पासिस में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारा सर आसानी से निकल जाए। सर आसानी से निकलने के लिए आप ये देखेंगे कि आपका यहाँ का ये सरकम और फ्रंट का ये दोनों सरकम जो है, ये कुल मिला करके आपका जो है नियर अबाउट 60 सेंटीमीटर जो है, ऑल राउंड 60 सेंटीमीटर उसका सरकम होना चाहिए। जब तक 60 सेंटीमीटर उसका सरकम नहीं होगा, किसी भी लेडीज का या किसी उसका जो है, चाहे पिटीत गर्ल हो, उसका जो है सर हेड जो है, हेड पासिस में उसको प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम यहाँ स्लिट दे सकते हैं। अदरवाइज अगर हम स्लिट नहीं देना चाहते हैं तो हम इसको जिप साइड में जिप ना दे करके हम इसको बैक से ओपन भी कर सकते हैं, तो उसमें भी हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होती है, हम उसको कर सकते हैं। और उसके बाद में आइए हम आपको बताते हैं कि जो इसके नीचे, अब आप ये देख रहे हैं कि ये हमने जो है यहाँ से ये फोल्ड होगा, ये फोल्ड का निशान लगाया हुआ है, ये फोल्ड हो जाएगा, डबल पेज हो जाएगा। ये डबल पेज होने के बाद में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर का हमने एक स्कर्ट दिया है। ये जो लाइन है ये बिल्कुल एज है इसकी, तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर का जो है एक स्कर्ट जो है इसमें लगेगा। ये हमारा गैदर जो है ये यहाँ पर डल जाएगा, और ये पैटर्न कोड LD001 हमारा जो ये फ्रंट का स्कर्ट होगा। इसी तरीके से हमारा ये देखिए कि ये हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि फोल्ड लाइन, जैसे बैक स्कर्ट लेंथ 25 सेंटीमीटर, देन वेस्ट गैदर्स लाइक दिस गैदर, और ये हमारा साइड सीम होगा, बट ये हमारा यहाँ से फोल्ड हो जाएगा। और इसी तरीके से 25 सेंटीमीटर लेंथ में हमारा जो है ये बैक का स्कर्ट जो है ये तैयार होगा। बट क्या है कि यहाँ पर हमने इसको, अब आप देख सोच रहे होंगे कि हमने इसको अलग अलग क्यों बनाया। अलग अलग हमने इसलिए बनाया कि यहाँ पर हमारी गैदर का जो रेशो है, जो हम इसके अंदर 50% रेशो जो हम इंक्लूड करते हैं, इनफैक्ट जब हमारा यहाँ 40 सेंटीमीटर हमारा फ्रंट का वेस्ट है, इनफैक्ट 40 प्लस 20 हमारा 60 सेंटीमीटर, देन 60 सेंटीमीटर, और हमारा जो ये बैक का जो है, बैक को आप देख रहे हैं कि ये हमारा 38 सेंटीमीटर है, तो आई थिंक 38 सेंटीमीटर प्लस उसके अंदर हमने 19 सेंटीमीटर हमने और उसमें इंक्लूड कर दिया, तो 19 सेंटीमीटर इंक्लूड करने का मतलब हमारा ये हो जाता है कि वो हमारा लगभग 50 सेंटीमीटर के हो जाता है, यानी 57 सेंटीमीटर हमारा हो जाता है जा करके। तो ये हमारा जो है ये 57 सेंटीमीटर का हमारा एक पार्ट होगा जो हमारा बैक में लगेगा। तो यहाँ पे यहाँ की गैदर और यहाँ की गैदर हमारी दोनों की रेशो जो है वो समकक्ष होगी, यानी कि 50% होगी। इस तरीके से आपका जो है एक ये ड्रेस जो है ये प्रिंसेस लाइन के अंदर जो है प्रिंसेस लाइन ड्रेस, या आप इसको टॉप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आई थिंक ये अभी फ़िलहाल जो है ये टॉप है। अगर आप इसको ड्रेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसकी स्कर्ट की लेंथ जो है वो बढ़ा सकते हैं, और गले का साइज जो भी आप, नेक बेड जितना भी आपका रिक्वायर है, आप उसको जितना भी रखना चाहें, आप इसको नेक को यहाँ से ये उतना ही आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, आप नेक उस तरीके से रख सकते हैं। इस तरीके से आपका जो है ये आपका पैटर्न जो है ये कंप्लीट होता है, और ये आपको पैटर्न मेकिंग और फैशन डिजाइन कोशिश के माध्यम से आपको ये सब कुछ बताया जा रहा है। और इसमें आपका एक बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, यदि आप फैशन डिजाइन और पैटर्न मेकिंग का आप सीखते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और आप कहीं पर भी आसानी से इजिली आजकल जो है वो गारमेंट एक्सपोर्ट के अंदर आपको ट्रेनिंग पे भी जॉब करने के लिए जाते हैं। तो अगर आप फैशन डिजाइन का डिजाइनर हैं तो इनफैक्ट वहाँ पर आपको पैटर्न मेकिंग की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें जो है डिजाइन से रिलेटेड होती हैं। तो यदि आपको किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, और इसके बारे में आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।